हर दूजे चौथे दिन गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी होंगी। जिहड़ियां साडियां वड्डियां संस्थावां है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, तख्त साहिबाना दे जथेदार है, ये अपनियां जिम्मेवारियां तों पिछा हट रहे। साध संगत जी धरने देने की नहीं दस्सिया आपां नूं, बेअदबी होगी गुरु ग्रंथ साहब दी धरना दे दो। बाबा बुढ़ा जी ने दस्सिया आपां नूं, भाई गुरदास जी ने दस्सिया, भाई सुखा सिंह महताब सिंह ने दस्सिया भी धरने दिया करो, सख्त तो सख्त सज़ा दिती जावे। हुण संगत तां इह बयान देवे, जथेदार अकाल तख्त भी यही बयान देवे, धरना दे लिया, केस रजिस्टर्ड कराता, चार पाँच महीने बंदा जेल च रहा, जो वापस आया आपां नूं पुछना कित्थे भी तू भाई हुण जेल कट के आ गया, दस हुण तेरा दिमागी नुक्स ठीक हो गया। भी जे दिमागी नुक्स है गुरु ग्रंथ साहब जी नूं अग लाउंदा, वो अपने आप नूं क्यों नहीं लाउंदा, आपदे घर वाले नूं क्यों नहीं लाउंदा, बच्चों नूं क्यों नहीं अग लाउंदा, दिमागी कमला जो बंदा है। जे सरोपे लैने जथेदार अकाल तख्त ने, सन्मान लैना जथेदार अकाल तख्त ने, सोभा वड्याई लैनी इस अहुदे मरातबे की, तो जिम्मेवारी किन्ने निभाउणी है। ते अज अकाल तख्त जथेदार ही पर्दा पोशी करन लग पैण ते फिर गल जाएगी कित्थे। अज असी इत्थे पढ़ के भी साडी प्रवृत्ति भी चंगा मोबाइल मेरे कोले होवे, चंगी गड्डी मेरे कोले होवे, चंगे थां ते बह के मैं रिकॉर्डिंग चंगी कर दिया, तो विदेश में कई देशों के मेरी जानकारी बन जाए, बकायदा ये एक कमीशन बना भी असी इहदी पड़चोल करांगे, असी केस भी लड़ांगे, कानूनी तौर पर भी ठीक है, पर असी निगाह रखांगे भी वाकई इहदे दिमाग च नुक्स सीगा, किन्ने सिर की सज़ा हुई, कदों वापस आया, वापस आए नूं तलब कर लो, क्यों भाई तेरा दिमाग ठीक हो गया, हुण आ तू इत्थे आ, तैनूं तेरा असी करके दिंदे ठीक। हर दूजे चौथे दिन गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी होंदी, साध संगत जी धरने देने की नहीं दस्सिया आपां नूं, बेअदबी होगी गुरु ग्रंथ साहब दी धरना दे दो। बाबा बुढ़ा जी ने दस्सिया आपां नूं, भाई गुरदास जी ने दस्सिया, भाई सुखा सिंह महताब सिंह ने दस्सिया भी धरने दिया करो, किन्ने दस्सिया आपां नूं धरने दे दिया करो, आपां तां राह ही होर चुन लिया, धरना दे लिया, केस रजिस्टर्ड कराता, चार पाँच महीने बंदा जेल च रहा, जो वापस आया आपां नूं नहीं पुछना कित्थे भी तू भाई हुण जेल कट के आ गया, दस हुण तेरा दिमागी नुक्स ठीक हो गया, कदे पुछिया आपां। चंद केस इहो जिहे हैगे ने जिथे सिंघां ने तुरंत उन्हां दुष्टां नूं सजावां दित्तियां जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी कीती, नहीं तो की है कि असी सिर्फ केस रजिस्टर्ड कराउण तक जां बयान देण तक सीमित हाँ कि इन्हां नूं सख्त तो सख्त सज़ा दित्ती जावे। हुण संगत तां इह बयान देवे, जथेदार अकाल तख्त भी यही बयान देवे, जे कोई अपने तौर पर कोई इहो जिहा काम करेगा कि उहनूं कहणगे भी इहने कानून अपने हत्थ च लिया, साडा इहदे नाल कोई संबंध नहीं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जथेदार अकाल तख्त, अज तक कोई इहो जिही संस्था बनी, कोई कमेटी बनी, कोई कमीशन बनिया भी जिहड़ा ये निगाह रखे भी ये तो ठीक है, पुलिस ने कहना भी इहदा दिमागी नुक्स सी आ, 40-50 केस वेखने ना आपां वध ही वेख ले होणे आ, भी जे दिमागी नुक्स है गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं अग लाउंदा, वो अपने आप नूं क्यों नहीं लाउंदा, आपदे घर वाले नूं क्यों नहीं लाउंदा, बच्चों नूं क्यों नहीं अग लाउंदा, दिमागी कमला जो बंदा है, आपदे घर नूं अग क्यों नहीं लाउंदा। पर फैसला लवे जथेदार अकाल तख्त, जे सरोपे लैने जथेदार अकाल तख्त ने, सन्मान लैना जथेदार अकाल तख्त ने, सोभा वड्याई लैनी इस अहुदे मरातबे की, तो जिम्मेवारी किन्ने निभाउणी है, ये जिम्मेवारी समझन अपनी, तो बकायदा इहदे ते कमीशन बनाउण भी असी इहदी पड़चोल करांगे, असी केस भी लड़ांगे, कानूनी तौर पर भी ठीक है, पर असी निगाह रखांगे भी वाकई इहदे दिमाग च नुक्स सीगा, किन्ने सिर की सज़ा हुई, कदों वापस आया, वापस आए नूं तलब कर लो,
क्यों भाई तेरा दिमाग ठीक हो गया हूँ आज तू इतने आ तेन तेरा अस करके दें ठीक। जदों तक यहोजा कोई सिस्टम नहीं बनता साध संग जी उदों तक सिर्फ अपने आप बयानबाजी तक सीमित रह जाएंगे। इस वास्ते तख्त साहिबाना के जथेदारा मैं बहुत आदब ते सतकार नाल यह बेनती करना चाहना है कि कुछ होर भी यहो जी घटनावां है जे साडी मर्जी है तां वड्डी तों वड्डी घटना ते पर्दा पा दो ते जे साडी मर्जी है ते कोई तरले भी करदा अकाल तख्त ते पेश भी हुंदा है ते उहदी गल ही ना सुणो। आफ्टर आल कोई मर्यादा है पंथ की उहनूं छिके ते टंग दांगे। मर्यादा नहीं बदली जा सकती। मर्यादा देखो अकाल तख्त एक इहो जी शक्ति है सिखां दे कोल इहो जिहा इक साधन है केवल शक्ति नहीं एक दरवाजा भी है। वड्डे तो वड्डे महाराज रणजीत सिंह नालों कोई तकड़ा सिख है गलती हो गई गलती भी इन्नी कि एक औरत नूं हाथी ते बिठा के नाच देखण लग गया जथेदार अकाल तख्त ने सद लिया भी तू तो सिखां दा जथेदार है राजा तू तेनों नहीं बख्शा जा सकता तू पेश हो नंगे चरनी पेश होया लाहौर तो चल के आया फिर क्यों दा कद घट गया उहदा सतकार वध्या भी राजा हुंदिया होया अकाल तख्त नूं समर्पित है ते अज अकाल तख्त दे जथेदार ही पर्दा पोशी करन लग पैण ते फिर गल जाएगी कित्थे। इस वास्ते इन्हां तमाम घटनावां वल जिहड़ियां मर्यादा सिख पंथ की मर्यादा नाल जुड़िया हुई बहुत सारे थावां ते जाके तुसीं देखो ना लो भी इह गुरद्वारे दा प्रधान है जदों प्रधान लवांगे गुरद्वारे दे साहब दी कमेटी का प्रधान है तुहानूं प्रधान का नाम लए तो चेता आएगा भी भाई गुरदास वर्गा होएगा थोनू पता लगू भी ये नितनेम ही होएगा मन च थोड़े को चेहरा वह योजा उकरिया जाएगा भी साबित सूरत सीधे दाड़े वाला कोई गुरु सिख गुरु का सिख होगा भावें होवे भी कोई सैकड़ों चु एक अद्धा होवे भी ना जो वे तो वे शहर जाके असं कहे ना प्रधान मिलना तो सूँ पहले ही पता हों भी नितनेम ही नहीं होना कोई मायाधारी होगा मैं धर के करके ही वो प्रधानगी है साध संग जो माहौल ही बन जाएगा ना तो फिर सिखी दे जी चढ़ती कला की लो आनी है लाइट आनी है जी शक्ति आनी है ये चीज़ा रुकावट बन जाती शक्ति घट नहीं सकती है। तो गुरु साहबा ने बहुत बड़िया कुरबानिया करके ये रब्बी जोत जगाई हुई है बुझनी तो है नहीं पर जेड़ा साडा साडे प्रबंध के तहत गुरु साहब ने साडी ड्यूटी लाई भी तुसी पहरेदारी करनी है तो पहरेदारी आसा पासा करन ते साध संगत उहदे च फिर नुकसान तो हुंदा है। जिस करके मैं अज दे विषय तो थोड़ा बाहर गया साध संगत जी क्योंकि मन दुखी हुंदा है कि इहो जिहियां घटनावां घटदियां ते असीं जापता पूरा करदे आ सतगुरु रहमत करे कृपा करे साडी समुची सिख कौम जिम्मेवार व्यक्तियों अहुदेदारा विराजमान सारे साहबाना सतगुरु सच्चे पातशाह जी समत बख्शन ते समुची कौम भी चढ़दी कला विच महाराज सच्चे पातशाह जी आप रखण क्योंकि ये दमदमी टसाल एक इहो जी है जदों श्री मान संत बाबा जरनैल सिंह खालसा जी दा समां आया ते वो प्रतख तौर पर जो फैसले लेंदे सी ना ये भी असी बर्दाश्त नहीं करना तो फिर कई तरह के विश्लेषण लाए जो बड़े गर्म है जी ये तो कानून अपने हथ से लेंदे जी तुसी रखो कानून अपने हथ विच पर फैसले भी लो पंथ के मुताबक गुरु रहमत करे कृपा करे दास अखीर विच फिर सब गुरमुखां दा जत्थे दे सिंघां दा जिहड़े बहुत ही आए हुए सिंघां नूं बड़े प्रेम दे नाल निम्रता दे नाल जल पान दी लंगर दी छबीलां दी बड़ी वड्डी सेवा है।
सेवा दे विच तत्पर रहिंदे, कई दिनों तो तैयारी करनी पैंदी, तैयारी करदे आ। सरदा ही भाई बहुत बहुत धन्यवाद, भुल्ला चुकां दी खिमा बख्शिश करनी। सरबत संगत गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।